हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 8.1 से क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। इन अ कंप्यूटर लैब, किसी कंप्यूटर लैब के अंदर देयर आर 3 कंप्यूटर्स फॉर एवरी 6 स्टूडेंट्स। हर 6 बच्चों के लिए 3 कंप्यूटर्स रखे गए हैं, यानी 6 बच्चे 3 कंप्यूटर्स को यूज़ करते हैं। हाउ मैनी कंप्यूटर्स विल बी नीडिड फॉर 24 स्टूडेंट्स। तो 24 स्टूडेंट्स के लिए कितने कंप्यूटर्स की ज़रूरत पड़ेगी, ये आपको बताना है। अब इस क्वेश्चन को हम 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो कर सकते हैं रेशियो मेथड से और एक कर सकते हैं यूनिटरी मेथड से। मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा। तो पहले रेशियो मेथड देखिए। यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, एक तो है कंप्यूटर और एक स्टूडेंट। तो कंप्यूटर और स्टूडेंट की रेशियो बना लेते हैं यहाँ पे। तो कंप्यूटर मैं ऊपर ले रहा हूँ और नीचे ले रहा हूँ मैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब ध्यान देना, कंप्यूटर कितने हैं, कंप्यूटर हैं 3 और स्टूडेंट्स कितने हैं 6। अब ये कंप्यूटर और स्टूडेंट्स का रेशियो है 3:6 का। अब यही रेशियो आगे तक भी चलेगा कि जिस तरह से अभी बच्चे यूज कर रहे हैं कंप्यूटर को, उसी हिसाब से आगे जो कंप्यूटर होंगे और उन पे जो बैठने वाले बच्चे होंगे उनकी जो काउंटिंग होगी वो भी रेशियो में ही होगी। तो आगे इसको इज इक्वल टू हम कर लेंगे। और जो चीज यहां हमें निकालनी है, क्या निकालना है, हमसे पूछे हैं हाउ मैनी कंप्यूटर्स विल बी नीडेड, कंप्यूटर्स कितने चाहिए। तो ऊपर जो जगह है ये कंप्यूटर की जगह है। नीडेड फॉर 24 स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स नीचे हैं, तो 24 स्टूडेंट्स के लिए कितने कंप्यूटर चाहिए। ये मैंने बराबर इसलिए किया है क्योंकि ये इक्वलेंट रेशियो है। क्योंकि जिस तरह से अभी 6 बच्चे 3 कंप्यूटर्स यूज कर रहे हैं, तो आगे भी जो है ना इसी हिसाब से बच्चों का और कंप्यूटर का जो रेशियो है वो सेम रहेगा। अब यहां इसे सिंप्लीफाई करना बहुत आसान हो जाएगा। डिनोमिनेटर में देखिए आप, यहां 6 का 24 हो गया है, तो 6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे जो 24 आएगा, ये हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी जो बच्चे हैं ना वो 4 गुना बढ़ गए हैं, 6 से 24 हो गए। तो जब यहां 4 से किया है तो यहां भी 4 करना पड़ेगा इक्विवेलेंट बनाने के लिए। तो 3 × 4 = 12। तो यानी जब बच्चे 4 गुना बढ़ गए हैं तो कंप्यूटर भी 4 गुना बढ़ेंगे, 3 से 12 हो जाएंगे। तो इसका आंसर है 12 कंप्यूटर्स। तो 12 कंप्यूटर्स की जरूरत पड़ेगी। ये तो हुआ रेशियो मेथड। अब इसी क्वेश्चन को मैं यूनिटरी मेथड से कर देता हूं। यूनिटरी मेथड में क्या होता है कि पहले हम एक चीज का निकालते हैं। हमें यहां दे रखा है कि 6 बच्चे 3 कंप्यूटर यूज करते हैं, तो कंप्यूटर्स नीडेड फॉर 6 स्टूडेंट्स, ये है 3। ध्यान रखना, जिस चीज को हमें निकालना होता है वो हम राइट साइड में रखते हैं, जो हमें दे रखी होती है वो हम लेफ्ट में रखते हैं। हमें कंप्यूटर्स निकालने हैं ना, तो कंप्यूटर को मैंने इज इक्वल टू के राइट साइड में रखा है। तो कंप्यूटर्स नीडेड फॉर 6 स्टूडेंट्स, 6 बच्चों के लिए 3 कंप्यूटर चाहिए। तो फिर हम नेक्स्ट लाइन में निकालेंगे कि एक बच्चे के लिए कितना कंप्यूटर चाहिए। तो नेक्स्ट में लिखेंगे कंप्यूटर्स नीडेड फॉर 1 स्टूडेंट, ये हो जाएगा 3/6। ये जो वैल्यू यहां होती है लेफ्ट में, ये इधर जाके डिवाइड हो जाती है। 1 का निकाल लिया हमने, 3/6। हमें निकालना है 24 स्टूडेंट्स का। तो लास्ट लाइन में कंप्यूटर्स नीडेड फॉर 24 स्टूडेंट्स। अब ये तो एक का है 3/6, हमें 24 का निकालना है, तो इसे मल्टीप्लाई 24 से करना पड़ेगा। इसे सॉल्व करते ही हमारा आंसर आ जाएगा। 6 और 24 आपस में कट रहे हैं। 6 × 1 = 6 होता है, 6 × 4 = 24 होता है, 3 × 4 = ऊपर आ गया है 12। यहाँ भी आंसर 12 ही आएगा क्योंकि 12 कंप्यूटर्स की ही रिक्वायरमेंट होगी जब बच्चे 24 होंगे। वैसे भी प्रैक्टिकली भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जब 3 कंप्यूटर 6 बच्चे हैं, यानी कंप्यूटर का डबल बच्चे हैं, जितने कंप्यूटर हैं उससे डबल बच्चे हैं। यहाँ भी यही था कि जितने कंप्यूटर थे उनका डबल, जितने कंप्यूटर उनका डबल, 12 कंप्यूटर तो 24 बच्चे। आप इस क्वेश्चन को दोनों तरीके से कर सकते हैं, रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं और यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हैं। यूनिटरी मेथड में यह ध्यान देना होता है कि पहले हम एक चीज का निकालते हैं, एक चीज का निकालने के लिए डिवाइड करना होता है और ज्यादा का निकालने के लिए फिर मल्टीप्लाई करना होता है। क्वेश्चन खत्म। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।